मत्स्येंद्रनाथ को लोग खुद शिव के रूप में देखते थे, वो उनसे कम नहीं थे। गोरखनाथ ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने उस योगी को परे धकेला और गुफा में चले गए। उन्होंने अपना तंत्र इस्तेमाल किया और योगी के दिमाग में जो कुछ था उसे बाहर निकाल लिया। गोरखनाथ वॉज अ वेरी वेरी अकॉम्प्लिश्ड योगी। गोरखनाथ बहुत ही सिद्ध योगी थे। भारतीय योगिक संस्कृति के इतिहास में वो एक सितारे की तरह जो कई मायनों में असाधारण है। उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को लोग खुद शिव के रूप में देखते हैं, वो उनसे कम नहीं है। बस वो थोड़ा बाद में आए, मगर वो शिव जैसे ही हैं, उन्हें इसी तरह देखा जाता है। तो गोरखनाथ उनके शिष्य थे। गोरखनाथ अपने गुरु के घोर भक्त थे। मत्स्येंद्रनाथ ने देखा ये युवक किसी सिपाही की तरह बनता जा रहा है, वो बहुत उग्र हो रहा है। अपने गुरु के लिए उसका प्यार इतना तीव्र है कि वो एक सिपाही की तरह बनता जा रहा है, योगी की तरह नहीं। तो उन्होंने उन्हें हिमालय चले जाने और वहां 14 साल साधना करने को कहा। तो वो चले गए, मगर वो इस तरह बने हैं। उनके लिए ये सारी साधना, सब कुछ जो वो करते हैं, वो बस इसलिए क्योंकि गुरु ऐसा कहते हैं। उनके लिए उनके गुरु ही सब कुछ हैं, गुरु के प्रति पूरे समर्पित। तो जब वो हिमालय में बैठे 14 साल, हर दिन हर पल, वो बस पल गिन रहे थे कि कब 14 साल बीतेंगे और मैं अपने गुरु के पास वापस जाऊंगा। साथ ही वो साधना भी करते रहे। 14 साल की इस साधना के कारण उनके अंदर कई संभावनाएं आ गईं। उन्होंने उनका इस्तेमाल नहीं किया, वो उन संभावनाओं के बारे में जानते थे। Then he came back. फिर वो लौट आए उस पहाड़ पर जो दक्कन के पठार के शुरू में है, जहां से पश्चिमी घाट शुरू होते हैं, बॉम्बे से बस 160 से 200 किलोमीटर दक्षिण में। अब उस पहाड़ को गोरखनाथ पर्वत कहा जाता है। उसका नाम उनके नाम पर पड़ा। आज भी वहां लोग होते हैं, मुझे थोड़ा समय उनके साथ बिताने का मौका मिला। तो वो पूरा सफर करके वापस नीचे आए। देखिए, आपको ये सारी व्यवस्था समझनी होगी। पैदल चलकर हिमालय तक जाना, वहां 14 साल रहना और फिर पूरा सफर तय करके वापस नीचे आना, बस एक तीव्र विचार और भावना के साथ कि वो अपने गुरु की मौजूदगी में होना चाहते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। हिमालय चढ़ना, 14 साल वहां इंतजार करना और वापस आना पूरा पैदल चलकर। जब वो आए, जिस गुफा में मत्स्येंद्रनाथ रहते थे उसके ठीक बाहर एक साधु था, एक दूसरा योगी था जो वहां पहरा दे रहा था। तो वो वापस आए तो इस योगी ने उन्हें रोका और कहा, तुम गुफा में नहीं घुस सकते। गोरखनाथ बोले, क्या मैं गुफा में नहीं घुस सकता? मैं अपने गुरु से नहीं मिल सकता? मैं 14 साल से इंतजार कर रहा हूं। वो बोला, नहीं, आप नहीं घुस सकते। गोरखनाथ ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने उस योगी को परे धकेला और गुफा में घुस गए। जब वो गुफा में गए तो वहां मत्स्येंद्रनाथ नहीं थे, गुरु वहां नहीं थे। तो वो व्याकुल हो उठे, कहां है वो? तो वो बाहर आए और योगी से पूछा, गुरु कहां है? वो बोला, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हें गुफा में घुसने से मना किया था, तुम मुझे धक्का देकर चले गए, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो गोरखनाथ ने अपने तंत्र का इस्तेमाल किया और योगी के दिमाग में जो कुछ था उसे बाहर निकाल लिया और सीधा वहां पहुंचे जहां गुरु थे। उन्होंने गुरु की छुपने की जगह को ढूंढ निकाला। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां गुरु ने एक दूसरे योगी के पास उनके लिए आदेश छोड़ा हुआ था कि उन्हें फिर 14 साल के लिए हिमालय जाना होगा, क्योंकि उसने उस साधना का दुरुपयोग किया जो मैंने उसे दी थी। मैंने उसे साधना आध्यात्मिक विकास के लिए दी थी, मगर उसने किसी और के मन में घुसने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जो किसी योगी को कभी नहीं करना चाहिए। फिर से 14 साल। तो गोरखनाथ ने पूछा, क्या इस समय को कम करने का कोई उपाय है?
अगर तुम एक असंभव रूप से कठिन आसन में बैठो तो हम उस समय को आधा कर देंगे, 7 साल। यह असंभव रूप से कठिन आसन है। वो इस तरह अपने बाएं पैर की उंगलियों पर बैठे एड़ी मल द्वार पर मूलाधार में और दाहिना पैर पालथी में, इसे आज भी गोरखनाथ आसन कहा जाता है, तो वो बस अपने पैर की उंगलियों पर मूलाधार के ऊपर थे, बाई एड़ी के सहारे और दाहिना पैर यहां। वो 7 साल तक इस तरह बैठे। या तो 14 साल या कठोर 7 साल। फिर वो वापस लौटे। इस बारे में ढेर सारी कहानियां हैं कि मत्स्येंद्रनाथ ने किस तरह अपने लिए गोरखनाथ के प्यार को संतुलित किया। ऐसे बहुत से किस्से हैं, शानदार किस्से, कैसे इस आदमी के प्यार की तीव्रता ने उन्हें कई बार हर अनुशासन के परे जाने दिया और कैसे मत्स्येंद्रनाथ ने लगातार कई अलग अलग तरीकों से उसे नियंत्रित किया, क्योंकि वो उस आदमी की क्षमता को जानते हैं। ये आदमी दुनिया को बदल सकता है। उनमें इस तरह की काबिलियत है, उनमें बहुत आग है, लेकिन स्थिरता और दिशा की कमी है। गोरखनाथ ने बाद में अपने गुरु के निधन के बाद भारत के सबसे व्यापक आध्यात्मिक आंदोलनों में से एक को स्थापित किया। अगर आप किसी को देखते हैं जिसके कान में एक बड़ी बाली हो, एक बड़ी बाली आमतौर पर हड्डी की बाली, मतलब वो एक गोरखनाथी है। आमतौर पर आज भी गोरखनाथी हमेशा एक छड़ी और एक कुत्ता अपने साथ लेकर चलते हैं। वो कुत्तों से प्यार करते हैं। वो अपने कुत्तों को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, वो उन्हें चलने नहीं देते, ठीक है। हर समय उनके पास कुत्ते होते हैं जिनका रंग गहरा काला होता है। वो कोई दूसरा कुत्ता नहीं रखते, बस काले कुत्ते। और वो अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। उनके कुत्तों को अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। वो मोटे ताजे और अच्छे होते हैं और वो उन्हें चलने नहीं देते। वो उन्हें उठाकर सैकड़ों मील चलते हैं। तो गोरखनाथियों को आमतौर पर इन दिनों नाथी या कनफट कहा जाता है, क्योंकि उनके कान में एक छेद होता है तो उन्हें कनफट कहा जाता है। वो आज भी लोगों का बहुत उग्र समूह होता है। उसे काफी बुरे समय से गुजरना पड़ा, मगर अब भी ये उन समूहों में से एक है जिसमें सच्चे साधक हैं जो हजारों साल बाद भी सक्रिय हैं। नाथियों का एक आश्रम है। सिद्धि प्राप्त करने वाले नाथियों की ढेर सारी समाधियां हैं। जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई उनकी पत्थर की समाधियां हैं, बाकियों को पेड़ों के नीचे दफना दिया गया। तो आपको बड़ी संख्या में वो देखने को मिलेंगे जो उस प्रणाली की समृद्धि को दिखाता है कि इतने सारे लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। कई बार लोगों ने उन्हें लहरों पर तैरते पाया। उनकी समाधि एक शानदार जगह है और वहां उनका एक भक्त है। उसका चेहरा बिल्कुल मायम्मा की तरह हो गया है।